तो हे गाइज, आज की जो इस वीडियो में जियो की इंटरनेट स्पीड सेटिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे कि आपकी जियो की इंटरनेट स्पीड 49 और 52 की स्पीड में चलने लगेगी। तो गाइज, आपको इसके लिए करना कुछ नहीं, केवल आप इस वीडियो को पूरी देखना है, देन गाइज आप अपने मोबाइल में से अप्लाई करना। एंड गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज, इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आपकी जियो की इंटरनेट स्पीड कितनी बढ़ी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए गाइज, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना इस तरीके से, और ओपन करने के बाद गाइज आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन पर टैप कर देना इस तरीके से। एंड टैप करने के बाद गाइज आपको मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है इस तरीके से, और टैप करने के बाद गाइज आपको जियो के ऑप्शन पे सिंपली टिक कर देना है इस तरीके से, और टिक करने के बाद गाइज आपको जियो के एडवांस पे टैप कर देना है, और टैप करने के बाद गाइज आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है इस तरीके से, और करने के बाद गाइज आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे टैप करना है, और टैप करने के बाद गाइज देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। तो आपको सिंपली 3 डॉट पर सबसे पहले जाना है, और जाने के बाद गाइज आपको रीसेट टू डिफॉल्ट कर देना इस तरीके से। गाइज, इसे करने से आपके फ़ोन में जो पुरानी APN बनी होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो रीसेट हो जाएगी, और आप अच्छी तरीके से फिर से एक न्यू APN बना सकोगे। तो सिंपली गाइज ये भी रीसेट हो चुकी है, और अब हमें सिंपली प्लेस के आइकॉन पर टैप कर देना है इस तरीके से, और टैप करने के बाद गाइज देख सकते हो कुछ इस तरह का इंपॉर्टिंग फॉर्म खुल के आती है जिसे आपको फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले गाइज नेम का ऑप्शन दिख रहा है, तो चलिए सबसे पहले नेम को फिलअप करते हैं। तो गाइज सिंपली हमें इस पर टैप करना है इस तरीके से। तो गाइज नेम पे हमें टैप करने के बाद गाइज यहाँ हमें कैपिटल में लिखना है जियो इस तरीके से। गाइज जियो लिखने के बाद हमें स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद गाइज हमें ओनिडा लिखना है। ओनिडा को भी गाइज हमें कैपिटल में ही लिखना है इस तरीके से, ONIDA इस तरीके से। इस तरीके से ओनिडा लिखने के बाद गाइज हमें इसे ओके कर देना है, और ओके करने के बाद गाइज हमें APN का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हमें सिंपली टैप करना है, और यहाँ पे टैप करने के बाद गाइज हमें लिखना है केवल जियो, और गाइज इसे आप स्मॉल में लिख लेना है इस तरीके से, जियो करके सिंपली आपको ओके कर देना है इस तरीके से। और ओके करने के बाद गाइज आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो प्रॉक्सी को गाइज आपको नोट सेट करना है, देन गाइज आपको पोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा उसे भी नोट सेट करना है, एंड उसके बाद गाइज आपको यूज़र नेम का ऑप्शन दिख रहा होगा तो सिंपली वहाँ पे आपको टैप करना है। तो गाइज यहाँ पे हमें टैप करने के बाद गाइज हमें लिखना है जियो, तो गाइज जियो का जे हमें कैपिटल में देना है, एंड उसके बाद गाइज हमें स्मॉल लेटर में लिखना है जियो, उसके बाद गाइज हमें स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद गाइज हमें ओनिडा लिखना है, ओनिडा लिखने के बाद गाइज हमें स्पेस फिर से देना है, और इसमें 4G कर देना है यहाँ पे सिंपली। जियो को गाइज हमें कैपिटल में देना है और ओके कर देना है इस तरीके से। ओके करने के बाद गाइज हमें पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो पासवर्ड को नोट सेट करना है, देन गाइज हमें सर्वर का ऑप्शन दिखता है तो उस पर हमें सिंपली टैप करना है, और यहाँ पे गाइज हमें स्मॉल में लिखना है www.jio.co इस तरीके से करके गाइज हमें सिंपली ओके कर देने से। एंड ओके करने के बाद गाइज आपको MMSC का ऑप्शन दिख रहा होगा इसे नोट सेट करना, MMS प्रॉक्सी का ऑप्शन दिख रहा होगा इसे भी नोट सेट, MMS पोर्ट को भी नोट सेट, एंड MCC को भी गाइज नोट सेट। MNC के बाद गाइज आपको ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा उसे टैप करना इस तरीके से, और टैप करने के बाद गाइज आपको सिंपली पैप और चैप पे आपको टैप कर देना इस तरीके से। एंड टैप करने के बाद गाइज आपको APN टाइप दिख रहा होगा इसे नोट सेट, एंड उसके बाद गाइज आपको APN प्रोटोकॉल पे टैप करना है, और टैप करने के बाद गाइज आपको सिंपली IPv4/IPv6 पे टैप कर देना है, एंड टैप करने के बाद गाइज आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल दिख रहा होगा उसे सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ से भी गाइज हमें वही सिलेक्ट करना है IPv4/IPv6 को ही। एंड उसके बाद गाइज एक और ऑप्शन रहती है जिसका नाम है गाइज बियर, और उस पर आपको सिंपली टैप करना है, और टैप करने के बाद गाइज आपको अनस्पेसिफाइड को अनटिक कर देना इस तरीके से गाइज, और जहाँ जहाँ मैं टिक करूँगा आपको फटाफट से वहाँ टिक कर लेना। तो चलिए गाइज फटाफट से टिक कर देते हैं। तो गाइज सबसे पहले LT को टिक करना, उसके बाद गाइज UMTS को, एंड उसके बाद गाइज HSUPA पे, उसके बाद गाइज HSPA पे, उसके बाद HSPAP पे, उसके बाद गाइज GPRS पे, एंड उसके बाद गाइज EHRPD पे, और उसके बाद गाइज एक लास्ट रह जाती है जिसका नाम है 1XRTT को। और ये गाइज, तो गाइज मैंने सारे बीरर पे देख सकते हो मैंने टिक लगा दिया, अभी इसी तरीके से टिक लगा देना, और टिक लगाने के बाद गाइज आपको सिंपली ओके कर देना इस तरीके से। एंड ओके करने के बाद गाइज ये देख सकते हो हमारी फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो चुकी है, और अब हमें सिंपली 3 डॉट पे जाके
इसे सेव कर देना है। तो चलिए फटाफट से इसे सेव कर लेते हैं। तो गाइस सिंपली यहाँ पे टैप करके हमें सेव कर लेना है, और आपको भी गाइस जिसी तरीके से अपने फ़ोन में सेव करना है। और सेव करने के बाद गाइस ये देख सकते हो हमारी जियो ओनिडा की APN बन के आ चुकी है। अब हमें सिंपली ग्रीन टिक को यहाँ पे गाइस कर लेना है टिक। गाइस आपके फ़ोन में जिस तरीके से टिक हो उस तरीके से आप अपने फ़ोन में कर लेना। बट गाइस हमारे फ़ोन में ग्रीन टिक से ही टिक होता है, तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। करने के बाद गाइस आप अपने फ़ोन में 2 मिनट के बाद इंटरनेट चलाना। गाइस आपकी जियो की इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरनेट गाइस चलेगी उसमें। आई होप कि गाइस इस वीडियो से आपकी जियो की इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इस वीडियो से अगर आपकी जियो की इंटरनेट स्पीड इंक्रीज हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि आपकी जियो की इंटरनेट स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है। तो गाइस मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।